गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे इन साइंस आई एम गोइंग टू टीच यू योर चैप्टर एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें. सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू what are the different good habits which we have to follow in our day to day life, because good habit make us a good person. jin insano ke andar achhi aadatein hoti hain wo acche insaan kehlaye jate hain. okay, it is very important for every person to follow these good habits. So now I am start reading your chapter. You have to pay attention on this video. Okay children, what we do every day becomes our habit. जो भी काम हम हर दिन करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? Habit means हमारी आदत बन जाती है. Good habits make us a good person. Good habit हमें क्या बनाता है? अच्छा इंसान बनाता है, गुड पर्सन बनाता है. वी लर्न गुड हैबिट्स एट होम एंड इन स्कूल. और जो गुड हैबिट्स है वो हम कहाँ कहाँ सीखते हैं, कहाँ कहाँ लर्न करते हैं? एट होम मीन्स घर पर, और इन स्कूल मतलब स्कूल में. तो स्कूल और घर में हम क्या सीखते हैं? अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं. गुड हैबिट्स हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड फिट. गुड हैबिट्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं हेल्दी और फिट रहने में. अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है, चुस्त और तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. देयर आर सम गुड हैबिट्स डैट वी शुड फॉलो इन आर डेली लाइफ. सो चिल्ड्रन, देयर आर सम गुड हैबिट्स विच वी हैव टू फॉलो इन आर डेली लाइफ. यहाँ पर कुछ गुड हैबिट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए. लाइक योर फर्स्ट गुड हैबिट इज वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें हर सुबह जल्दी उठना चाहिए. सुबह उठना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना चाहिए. नेक्स्ट इज वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें अपने दांतों को एक दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. ट्वाइस अ डे मीन्स एक दिन में दो बार हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. थर्ड गुड हैबिट इज वी शुड हैव अ बाथ डेली. हमें रोज़ नहाना चाहिए. अगर रोज़ नहाओगे तभी तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपको सुस्ती नहीं आएगी, आपको अच्छा सा महसूस होगा, आप बिल्कुल फिट रहोगे. इसलिए बाथ लेना बहुत ही ज़रूरी है डेली. नेक्स्ट गुड हैबिट इज वी शुड कॉम आर हेयर प्रॉपरली. हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम, अच्छे से कंघी करना चाहिए. वी शुड वेयर क्लीन एंड प्रॉपर क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ और सही कपड़े पहनने चाहिए. अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप उसमें हमेशा स्मार्ट दिखोगे, सब आपकी तारीफ करेंगे. इसलिए हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. नेक्स्ट गुड हैबिट इज वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. ठीक है, हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. अगर हैंड्स को वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा? सारे के सारे जर्म्स आपके मुंह में चले जाएंगे. इसीलिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट इज वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम. हमें हमेशा स्कूल समय पर जाना चाहिए. अगर स्कूल समय पे नहीं जाओगे तो आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. इसलिए आपको हमेशा अपने स्कूल के प्रति बिल्कुल पंचुअल रहना चाहिए, स्कूल बिल्कुल टाइम पे जाना चाहिए.
वी शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर आपको बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए. क्लासरूम के अंदर टीचर हो चाहे नहीं हो, आपको हमेशा बिल्कुल शांति से बैठे रहना है और अपना वर्क करते रहना है, बिल्कुल भी शोर नहीं करना है. ओके. वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स. हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए. अगर आपके पास कोई टिफ़िन है, अच्छा सा टिफ़िन लाए हो आप, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए और अपनी फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए. अगर आपका जो फ्रेंड है वो किसी मुश्किल में है, उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा उसकी क्या करनी है, मदद करनी है. नेक्स्ट देखिए आगे. अब वी शुड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. जो भी आपका वेस्ट पेपर होता है, जो भी गार्बेज होता है, उसको आपको हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. आपका जो डस्ट है, जो गार्बेज है, उसे आपको यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए, उसे आपको हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. जिससे क्या होता है, आपका जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है. अगर आप यहाँ से वहाँ अपना जो गार्बेज है उसको थ्रो करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो सराउंडिंग है वो गंदा हो जाएगा. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ हमें बिल्कुल काइंडली रहना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल प्यार से बिहेव करना चाहिए. जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड बी पोलाइट टू पीपल वी मीट. और जब हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे हों, तो हमें उनके साथ बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांति से उनके से बात करनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए. ओके. सो दीज आर द गुड हैबिट्स विच वी हैव टू फॉलो इन आर डेली लाइफ. लाइक फर्स्ट इज वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. We should brush our teeth twice a day. We should have a bath daily. We should comb our hair properly. We should wear clean and proper clothes. We should wash our hands before and after every meal. We should go to school on time. We should not make a noise in the classroom. We should share our things with others. We should throw waste in the dustbin. We should be kind to animals. We should be polite to people we meet. Okay? So these are the good habits. Now look, there are some words like please, sorry, thank you, excuse me are some magic word that we use in different situation. जैसे कि आप कई सारे words का use करते हो, like please, sorry, thank you, excuse me. ये वो words हैं जो आप अलग अलग situations में use करते हो. like please, अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए, आप किसी से request कर रहे हो, तो आप please बोलोगे. अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, तो आप sorry बोलोगे. अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आप उसे क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो. अगर आपको कहीं जाना है या किसी से कुछ पूछना है, तो आप पहले क्या बोलते हो, एक्सक्यूज़ मी. तो ये सारे मैजिकल वर्ड्स हैं जो आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हो. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर चैप्टर गुड हैबिट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर गुड हैबिट्स वेरी क्लियरली. If you like this video, please subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.